कराम वालद और तलबा आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू थ्री प्लस का सफ़ा नंबर बत्तीस खोलेंगे चलो जल्दी से सफ़ा नंबर चले जल्दी से सफ़ा नंबर बत्तीस खोलें वाओ यहाँ पर तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर है इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं इस करामदे से मुखातिब होना चाहती हूँ जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की चार महारतें होती हैं जिनको इंग्लिश में फ़ोर स्किल्स कहा जाता है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो तीन हैं सुनना बोलना और पढ़ना और ये ब्लूम टेक्सोनमी का पहला दर्जा है याद रखना चलें बच्चों अब हम देखते हैं सफ़ा नंबर बत्तीस पे ये ख़ूबसूरत खूबसूरत तस्वीर किसकी हैं सबसे पहले क्या है ये तो परिंदे हैं यानी कि यहाँ पर हम परिंदों के नाम के बारे में जानेंगे हम्म, सबसे पहले कौन सा परिंदा है ये तो रंग बिरंगा बहुत खूबसूरत परिंदा है इसे मैंने चिड़ियाघर में भी देखा और सफारी जू में भी ये कौन सा परिंदा है ये मोर है कौन सा है मोर है और ये दूसरा परिंदा कहाँ है और ये दूसरा परिंदा कौन सा है ये तो कौवा है जो हमारी छत पर आके काए काए करता है और इसका रंग काला होता है ये रोजाना हमारी छत पर आकर बोलता है कैसे बोलता है काए 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 इसका नाम क्या है कौवा अब तीसरा परिंदा देखते हैं कौन सा है ये तो तोता है इसे तो मैंने अपने घर में पाला हुआ है ये सब्ज रंग का होता है ये मेरे पास पिंजरे में रहता है और यह कैसे बोलता है टी 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 कैसे बोलता है टी 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 ये मुझे बहुत पसंद है ये पालतू जा ये पालतू परिंदा है इसे मैंने घर में पाला हुआ है और ये क्या है ये तो बतख है जो पानी में तैरती है और ये कैसे बोलती है क्वैक 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 कैसे बोलती है क्वैक 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 देखा बच्चों आज हमने यहाँ पर चार परिंदों के बारे में पढ़ा कौन कौन से मोर कौवा तोता बतख अब हम नीचे देखते हैं क्या है नीचे तो जानवर है यानी कि अब हम जानवरों के नाम के बारे में जानेंगे एक पहला जानवर कौन सा है ये तो बहुत प्यारी है और मुझे बहुत पसंद है ये भी मैंने अपने घर में पाली हुई है ये क्या है बिल्ली है और इसका नाम क्या मैंने रखा हुआ आपको पता है मेरी बिल्ली का नाम क्या है हुँ? मेरी बिल्ली का क्या नाम था आपको पता है चले मैं आपको बताती हूँ मेरी बिल्ली का नाम फ्लफी है मेरी बिल्ली का नाम क्या है फ्लफी और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलती है और इसके साथ कौन सा जानवर है ये तो कुत्ता है और ये कैसे बोलता है भव बहू बहू करके हम्म आपको पता है ये भी मेरे पास पहले था और इसके आगे कौन सा जानवर है ये तो हाथी है जो चिड़िया घर में रहता है और इससे आगे इसे देख के तो मैं डर गई ये क्या है ये तो जंगल का बादशाह है शेर क्या है शेर बच्चों यहाँ पर हमने कौन से चार जानवर पढ़े बिल्ली कुत्ता हाथी शेर आज हमने परिंदों के बारे में जाना जानवरों के बारे में जाना और अब हम देखते हैं नीचे क्या है नीचे तो कुछ खाने पीने की चीजें हैं ये तो सब्जियाँ है जो अम्मी रोज़ाना किचन में बनाती हैं हमारे लिए जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं चले हम यहाँ पर देखते हैं सब्जियों के नाम ये क्या है ये प्याज है जिसे अम्मी रोज़ाना काट कर अपनी हंडिया में डालती हैं और सलाद में भी खाते हैं हम और ये क्या है ये तो मटर है छोटे छोटे से ग्रीन ग्रीन से मैं तो इसे जब मम्मी निकालती हैं तो कच्चे भी खा जाती हूँ और इसे हम सालन में भी बनाते हैं और ये क्या है ये तो आलू है हम रोज़ाना इसके चिप्स खाते हैं मेरे तो मुंह में पानी आ गया और ये क्या है ये तो बैंगन है इसकी भी मम्मी सब्जी बनाती हैं और हम इसे मज़े मज़े से खाते हैं चले बच्चों यहाँ पर हमने कौन सी चार सब्ज़ियाँ पढ़ी इनके नाम दोबारा पढ़ते हैं प्याज मटर आलू बैंगन अच्छा बच्चों ये नीचे तो देख के मेरे मुंह में पानी आ गया मुझे तो फल बहुत पसंद है मैं बहुत ज़्यादा फल खाती हूँ चले यहाँ पर फलों के नाम देखते हैं कौन कौन से हैं ये कौन सा है ये तो फलों का बादशाह कहलाता है और इसका नाम क्या है आम और ये गर्मियों में आता है मैं तो इसको वैसे भी काट के खाती हूँ और इसकी मिल्क शेक भी बना के पीती हूँ आपको भी पसंद है ना हम्म और ये क्या है ये तो केला है इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मैं रोज़ाना इसको खाती हूँ और ये क्या है ये तो अनार है ये हमारे जिसम में बहुत सारा खून पैदा करता है ये लाल लाल होता है और बड़ा मज़े का होता है मैं इसको भी बहुत खाती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये क्या है ये तो सेब है ये तो वैसे ही मुझे बहुत पसंद है मैं तो इसे हर वक्त खाती रहती हूँ मुझे तो सेब बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों आज तो यहाँ पर वो सारे फल थे जो कि मुझे पसंद है क्या आपको पसंद है बिल्कुल मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद होंगे चले हम इनके नाम दोबारा पढ़ते हैं आम केला अनार सेब चले बच्चों आज हमने इस सफ़े पर चार चीज़ों के बारे में जाना चार परिंदे चार जानवर चार सब्जियां और चार फल चले अब हम इन परिंदों के नाम को दोबारा देखते हैं मोर कव्वा, तोता बतख अब हम जानवरों के नाम को दोबारा देखते हैं बिल्ली कुत्ता हाथी शेर अब हम सब्जियों के नाम को दोबारा देखते हैं प्याज मटर आलू बैंगन अब हम फलों के नाम को दोबारा देखते हैं आम केला अनार सेब इस अच्छा कराम और वालद अब आपने मज़ीद आपके घर में और फल या सब्जियां आपके इर्द गिर्द जो परिंदे हैं जो जानवर हैं इनके बारे में बच्चों को दिख बताना है ये क्या क्या है जानवर ये कि, कि, किस काम आते हैं ये पालतू हैं ये जंगली जानवर हैं ये परिंदे हैं ये कहाँ पर रहते हैं इनके घोंसले कहाँ पर होते हैं ये घरों में पाले जा सकते हैं और ये दरख्तों पे रहते हैं और ये फल हैं ये कौन कौन से फल हैं इनके क्या क्या फ़ायदे हैं सब्जियों के फ़ायदे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप बच्चों को बताएं और इनके ज़खीरा अल्फाज में इजाफा यानी कि इनके ज़खीरा अल्फाज में इजाफ़ा करेंगे तो इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पता चलेगा मुख्तलिफ़ मज़ीद उनकी जो विकैबलरी है वो उसमें इजाफ़ा होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मुन्नावर पब्लिशर के साथ